बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम, मैं मिस फरत नसीम आपकी होम इकोनॉमिक्स की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम होम इकोनॉमिक्स का दहम क्लास का सिलेबस शुरू करेंगे। तो दहम क्लास का सिलेबस बाब नंबर 9 से शुरू होता है, जिसका उन्वान है पाचा बाफी और लबास की तारीफ़ और अहमियत। पाचा बाफी किसे कहते हैं? पाचा बाफी का मतलब बुनना के है, यानी ये मुख्तलिफ रेशों से कपड़ा बनाने के अमल को पाचा बाफी कहते हैं। पाचा बाफी इन रेशों की दरियाफ्त है जो हम पौधों और जानवरों से हासिल करते हैं और उनको मुख्तलिफ अवामल में से गुजारने के बाद कपड़ा तैयार करते हैं, जिससे हमारा लिबास तैयार होता है। लिबास इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से एक अहम और बुनियादी ज़रूरत है, इसके बगैर इंसान का गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए लिबास की बहुत अहमियत बयान की गई है। इसके बाद हम आ जाएंगे पाचा बाफी क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ टेक्सटाइल्स। पाचा बाफी की तारीफ़ करें, और ये हमारा सवाल नंबर मुख्तसर दसी कुतब का नंबर 1 भी है। पाचा बाफी की तारीफ़ करें, मुख्तसर सवालात जो हैं वो हमारी दसी किताब के पेज नंबर 25 पर हैं। तो हमारा पहला मुख्तसर सवाल ये है, पाचा बाफी की तारीफ़ करें। पाचा बाफी टेक्सटाइल लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मानी बुनना टू वेव है। ये सनत हरफ़ का वो शोबा है जहाँ कुदरती या इंसानी खुद साख्ता रेशम पर तकमीली अवामल से अनवाओ अकसाम के सूती, ऊनी, रेशमी और खुद साख्ता पारचा जात फैब्रिक्स तैयार किए जाते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि सन्नत वो होती है यहाँ पर सरमायादार अपना सरमाया लगाकर चंद मज़दूरों को मज़दूर रख कर उजरत पर उनसे काम लेता है और वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया बनाई जाती हैं। तो ये सन्नत का जो शोबा है ये कपड़ा बनाने का शोबा है, जहाँ पर इंसान कुदरत या इंसानी हुत्ता कुदरती वो होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से पैदा किए गए हैं। मिसाल के तौर पर सूत जो है और रेशम, सूत जो है वो कपास से हासिल होती है और रेशम जो है वो रेशम के कीड़े से हासिल होती है। इसके अलावा इंसान ने खुद भी मुख्तलिफ अशिया पर अमल करके उससे मुख्तलिफ रेशे बनाए हैं, जिससे वो तरह तरह के सूती, ऊनी, रेशमी और खातों से मुख्तलिफ तरह के कपड़े जो हैं वो तैयार करते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे सवाल नंबर 2 पे। ये हमारा दूसरा सवाल मुख्तसर है, लिबास की तारीफ़ करें। डेफिनेशन ऑफ क्लॉथिंग, लिबास से मराद रेशों से तैयार करदा कपड़ों से है जो जिस्म को ढांपने, शख्सियत की शनाख्त और सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाँ ये घास, पत्ते और खाल हों या मौजूदा दौर अहद कहते हैं दौर के कुदरती और खुद साख्ता रेशों से तैयार करदा हों, यानी जिस्म को ढांपने के लिए जो चीज़ भी इस्तेमाल की जाती है वो लिबास या पोशाक कहलाती है। यहाँ तक हमारा सवाल नंबर 2 का जवाब मुख्तसर का होगा। तो लिबास जो है उसकी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। जब से इंसान दुनिया में आया तो उसको अपना जिस्म ढांपने के लिए कपड़ों की ज़रूरत महसूस हुई। चनानचे जब कपड़े याद नहीं हुए थे तो उससे पहले पुराने ज़माने में लोग जंगलों में रहते थे और वो दरख्तों के पत्तों से, छाल से या जिस्म जानवरों की खाल से अपना जिस्म को ढांपते थे। इसलिए जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता गया उसके साथ साथ नई नई चीज़ें दरियाफ्त होती रहीं। चनानचे मौजूदा दौर में कुदरती और इंसानी खुद साख्ता रेशों से तैयार करदा अनवाओ अकसाम के कपड़ों को पाचा जात लिबास कहते हैं।